सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमीफाइनल सेकंड मैच के बारे में, जो कि हरियाणा और जयपुर के बीच हमें देखने को मिलेगा। आज का मैच है सेकंड सेमीफाइनल, उसके पहले पुरानी पटना और पटना के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है। जो कि पहले मैच का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने पहले मैच का वीडियो बना रखा है फुल डिटेल्स में, तो आप जाकर देख सकते हैं कि पहला सेमीफाइनल का मैच कौन सी टीम जीतने वाली, जो कि पुनेरी पल्टर और पटना पायरेट्स के बीच हमें देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो हम सेकंड सेमीफाइनल मैच की बात करने वाले हैं, जो हरियाणा और जयपुर के बीच हमें देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी फॉर्म में देखने को मिल रही हैं। तो कौन सी टीम जीत सकती है इस मैच को, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। हम इनके हेड टू हेड स्टार्टिंग सेवन स्ट्रेंज एंड योरज की बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम के रेडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेंगे, डिफेंस किसकी टीम की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच को विन कर पाएगी और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इनके हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो हेड टू हेड में इस सीजन दो ही मैच हमें देखने को मिले हैं, जो कि अगर पहले मैच की अगर बात करते हैं तो पहला मैच यहां पर देख सकते हैं 45 और 34 का स्कोर गया था, जहां पर जयपुर की टीम पहला मैच जीती थी और सेकंड मैच भी जयपुर की टीम जीती थी, जो कि इस सीजन दो ही मैच हमें देखने को मिले थे। अब बात करते हैं हरियाणा की स्टार्टिंग सेवन की, तो स्टार्टिंग सेवन में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, जो कि पिछले मैच में भी हमें देखने को मिली थी एलिमिनेटर में, विनर देखने को मिलेंगे। उसके बाद कवर की बात करें जयदीप और मोहित, उसके बाद सपोर्ट रेडर की अगर बात करते हैं तो आशीष होने वाले हैं और शिवम पठारे होने वाले हैं, जो कि पिछले मैच में भी एक दोनों नजर आए थे। उसके बाद कॉर्नर की बात करते हैं तो राहुल सतपाल राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर यहां पर मोहित कालरे होने वाले हैं। अब बात करते हैं जयपुर की स्टार्टिंग सेवन की, तो जयपुर की स्टार्टिंग सेवन को कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी इस मैच के दौरान। यहां पर अर्जुन देसवाल, उसके बाद राइट कॉर्नर पर हमें देखने को मिलेगी सुलिन, जो कि अपनी टीम के कैप्टन, उसके बाद यहां पर लेफ्ट वायर रेजामीर भगेरी और यहां पर सपोर्ट की बात करते हैं तो भवानी राजपूत और हमें वी अजीत कुमार देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद कॉर्नर की बात करते हैं, राइट कॉर्नर पर हमें साहुल देखने को मिलेंगे, उसके बाद लेफ्ट पर अंकुश देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोनों टीमों के रेडिंग यूनिट, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हरियाणा रेडिंग यूनिट, जो कि मतलब कौन से टीम के रेडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर दो अच्छे रेडर हमें हरियाणा की तरफ से देखने को मिलते हैं, विनय और शिवम पठारे, दोनों ही 21 मैच खेले हैं और मतलब यहाँ पर विनय की बात करें 149 रेड पॉइंट 5 सुपर 10 लगाए हैं, वहीं पर अगर बात करें शिवम की तो 21 मैच 103 रेड पॉइंट और 3 सुपर 10 लगाए हैं। दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस हमें हरियाणा की टीम की तरफ से देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जयपुर के रेडर की, तो जयपुर की तरफ से दो अच्छे रेडर हमें देखने को मिल जाते हैं, अर्जुन देसवाल और वी अजीत कुमार। अर्जुन देसवाल की बात करें तो इस सीजन 22 मैचेस खेले हैं, 262 रेड पॉइंट और 16 सुपर 10 भी लगाए हैं। वहीं पर वी अजीत कुमार की बात करें तो 18 मैच 79 रेड पॉइंट 2 सुपर 10 लगाए हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस है जयपुर की टीम की तरफ से ये दो रेडर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर रेडिंग की बात करें कि इस टीम की रेडिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जयपुर की ये रेडिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं डिफेंस यूनिट की, तो डिफेंस यूनिट किस टीम की स्ट्रॉन्ग है, तो अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की तरफ से दो अच्छे डिफेंडर में देखने को मिलते हैं, जो कि कवर की जोड़ी है मोहित और जयदीप की, जो कि अगर मोहित की बात करें तो 22 मैचेस 69 टैकल पॉइंट और 6 हाई फाई भी लगाए हैं। वहीं पर बात करें जयदीप की, 21 मैच 67 टैकल पॉइंट और 6 हाई फाई ए भी लगाए हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस इन दोनों का हमें देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं अब जयपुर के डिफेंस की, तो जयपुर की टीम की तरफ से डिफेंस में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर कैप्टन सुनील देखने को मिल जाते हैं, जो कि 22 मैच खेले हैं 55 टैकल पॉइंट और 4 हाई फाई लगाए हैं। उसके बाद अंकुश की बात करें तो 21 मैच और 69 टैकल पॉइंट 8 हाई फाई लगाए हैं, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस इन दोनों का देखने को मिलता है जयपुर की टीम की तरफ से। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से टीम के डिफेंडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमें हरियाणा के टीम के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। उसके बात करते हैं टीम योरज रेड पॉइंट का, इस सीजन क्या योरज है दोनों टीमों का रेड में, तो 22 मैच खेली है जयपुर की टीम और योरज 20.23 का योरज है रेड पॉइंट में। वहीं हरियाणा की बात करें तो 22 मैच में 19.87 का योरज है, तो योरज के मामले में भी हरियाणा यहाँ पर जयपुर की टीम आगे हमें देखने को मिलती है रेडिंग में। वहीं डिफेंस की अगर बात करें तो क्या इस सीजन डिफेंस का योरेज रहने वाला है दोनों टीमों का, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर जयपुर की टीम का तो 22 मैच 11.55 का योरेज है इस सीजन डिफेंस के मामले में। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 22 मैच 13.61 का योरेज है इस सीजन हरियाणा का। तो डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हरियाणा की टीम हमें देखने को मिलती है, वहीं जयपुर की टीम रेडिंग के मामले में हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। ये सब देखने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर दोनों ही टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती हैं, तो कौन सी टीम जीत पाएगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पर हरियाणा की टीम भी इस मैच को विन कर सकती है।